हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू प्रज्ञा अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज गंगापुर सिटी एंड आई एम डॉक्टर डीएल कुमार फ्रॉम बायोलॉजी फैकल्टी। नाउ टुडे डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और उसमें हम आज टॉपिक बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के प्रकार। देखो बेटा, इससे पूर्व की वीडियो में हमने ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर, ओव्यूल की स्ट्रक्चर बात की थी, बीजांड की स्ट्रक्चर बात की थी, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना देखी थी, और आज हम बात करेंगे बीजांड के प्रकार। देखो बेटा, बीजांड को तीन आधारों पर क्लासिफाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस, बीजांड काय के आधार पर। तो बीजांड, बीजांड काय के आधार पर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, अध्यावरण के आधार पर। तो अध्यावरण के आधार पर, तो बीजांड काय के आधार पर, अध्यावरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल, हाइलम एंड चेलेजा की पोजीशन और रिलेशन के आधार पर। तो देखिए बेटा, बीजांड को जो प्लांट्स, जो पुष्पीय पादप है, उनमें उपस्थित जो बीजांड्स है, उनको तीन आधारों पर क्लासिफाइड किया गया है, बीजांड काय के आधार पर, अध्यावरण के आधार पर, और बीजांड द्वार, नाभिका, और जिसे अपन कहते हैं चेलेजा, निभाग की पोजीशन और उनमें रिलेशन, क्या संबंध है के आधार पर। तो इस तरीके से तीन आधारों पर बीजांड को क्लासिफाइड या बीजांड को क्लासिफाइड किया गया है, उन्हें बांटा गया। हम सबसे पहले करें बात ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। देखो बेटा, बीजांड काय क्या है? विकसित होते हुए भ्रूणकोष को पोषण प्रदान करता है, या विकसित होते हुए बीजांड को पोषण प्रदान करने वाले ऊतक को हम क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं, जो कि पैरेन्काइमी कोशिकाओं से बना हुआ है। और मैं एक ओव्यूल की बात करूं तो ये क्या है बेटा? भ्रूणकोष है, जिसमें ये अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिका है, ठीक है, ये मध्यवर्ती कोशिका है जिसके इनके केंद्र के, ये प्रतिमुखी सेल है, एंटीपोडल सेल है, और इसके चारों ओर ये जो है बीजांड काय ऊतक है, जो विकसित होते हैं भ्रूण और बीजांड को पोषण प्रदान। उसके बाद ये अंत अध्यावरण है, अंत अध्यावरण, ठीक है। उसके बाद ये बाहें अध्यावरण है, ये बाहें अध्यावरण, तो ये हो गया बाहें अध्यावरण, और ये हो गया अपना ओव्यूल तैयार। इस तरीके का बीजांड है, जो एक प्रारूपिक बीजांड की स्ट्रक्चर पर बात की थी। तो पहला बेसिस कौन सा बेटा? बीजांड का है। इसके आधार पर, ये बीजांड का है, इसके आधार पर ओव्यूल के प्रकार। तो इसके आधार पर ओव्यूल को थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? टेन्यू न्यूसिलेट, कासी न्यूसिलेट, और एंडो, ठीक है। इसके आधार पर इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है, इसके आधार पर तीन प्रकार है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। फर्स्ट टाइप है टेलिन्यूसिलेट, कार्सिन्यूसिलेट एंड एंडोथीलियम। सबसे पहला बात करें टेलिन्यूसिलेट। देखिए बेटा, अल्प विकसित, कम विकसित जब बीजांड काय हो और सिंगल लेयर के रूप में हो, तो कम विकसित है। तो देखिए, अपन बात करें कम विकसित, कम विकसित होगा और एक लेयर, सिंगल लेयर के रूप में, एकल स्तर के रूप में, जब बीजांड, यानी जब बीजांड काय एक स्तर के रूप में हो और कम विकसित हो, तो उससे अपन क्या, कौन सा कहेंगे बेटा? टेन्यू न्यूसिलेट। और गैमोपेटली, गैमोपेटली जो श्रेणी है उन पादपों में, गैमोपेटली मीन्स जब पुष्पों के दल या जो बाहें दल है वो आपस में अटैच हो, जुड़े हुए हो, जैसे धतूरा है, पेटल्स आपस में जुड़े रहे
और अगर फ्लॉवर्स का अपन देखें तो अपना जो लाउड स्पीकर है जो माइक है उसकी तरह का दिखाई देता है, तो उनके पैटर्न जुड़े तो उनमें इस तरीके का क्या होगा, बीजांडकाय होगा। क्लियर? तो फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया। सेकंड टाइप अपन बात करते हैं बेटा कार्सिन्यूसिलेट। कार्सिन्यूसिलेट कैसा होगा बेटा? देखिए ये वेल डेवलप क्या होगा, वेल डेवलप यानी अधिक विकसित क्या होगा, बीजांडकाय। तो देखो बेटा पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित, और कैसा होगा बेटा अनेक लेयर, अनेक स्तर प्रेजेंट होंगे, इसे अनेक लेयर होंगे इस तरीके के जो बीजांडकाय होगा। तो बीजांडकाय अनेक स्तर वाला होगा, पूर्ण विकसित होगा, उस तरीके के बीजांडकाय को अपन क्या कहेंगे बेटा, कार्सिन्यूसिलेट। क्लियर? इस तरीके का पॉलीपेटली श्रेणी के, पॉलीपेटली यानी जब पेटल्स क्या हो या जो कैलेक्स क्या हो यानी दल और बाह्य दल क्या हो अलग अलग हो, जैसे मस्टर्ड में सरसों में सब अलग अलग है सदाबहार है, तो इनमें कौन से बीजांडकाय होंगे बेटा, कार्सिन्यूसिलेट टाइप का बीजांडकाय होगा। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें एंडोथीलियम। इस प्रकार के न्यूसिलेट में क्या होगा बेटा, न्यूसिलेट जो है, जो न्यूसिलेट है बीजांडकाय है उसकी जो सेल है वो डिजनरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। तो न्यूसिलेट नष्ट हो गया और जो आउटर एंटेगमेंट है वो न्यूसिलेट के रूप में कार्य करता है। तो देखिए बेटा बीजांडकाय, बीजांडकाय उत्तक नष्ट है, बीजांडकाय उत्तक नष्ट हो जाएगा और जो अध्यावरण है, अध्यावरण वो एक्टिव होकर, सक्रिय होकर, सक्रिय होकर किसका कार्य करता बेटा, बीजांडकाय के, बीजांडकाय उत्तक के रूप में। तो देखिए एंडोथीलियम में क्या होगा बेटा कि जो वास्तविक न्यूसिलेट जो टिश्यू है वो डिजनरेट हो जाएंगे और जो एंटेगमेंट्स की जो सेल्स है या एंटेगमेंट्स जो है वो सेल्स एक्टिव होकर न्यूसिलेट की भूमिका निभाएंगे, न्यूसिलेट के रूप में एक्टिव हो जाएंगे। और कंपोजिट फैमिली के जो प्लांट्स है उनमें इस तरीके का जो बीजांडकाय है या जो न्यूसिलेट है वो प्रेजेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलेट के आधार पर क्लियर हो गए तीन टाइप हो गए, टैनिन्यूसिलेट, कार्सिन्यूसिलेट एंड एंडोथीलियम टाइप के न्यूसिलेट। क्लियर? ये कम विकसित एक लेयर वाला होगा, ये कैसा बेटा वेल डेवलप और मेनी लेयर्स प्रेजेंट होगी, और इसमें जो वास्तविक न्यूसिलेट जो रियल न्यूसिलेट टिश्यू है वो डिजनरेट हो जाएंगे और जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो एक्टिव होकर न्यूसिलेट टिश्यू की तरह कार्य करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट के बेस के आधार पर, अध्यावरण के आधार पर ऑव्यूल्स के टाइप, और अध्यावरण के आधार पर ऑव्यूल्स के ये फोर टाइप आपको दिख रहे हैं। पहला है एटैग्मिक, यूनिटैग्मिक, बाइटैग्मिक, ट्राइटैग्मिक। ठीक है, एटैग्मिक अध्यावरणी, एटैग्मिक देखो ए मींस अबव, टैग्मिक मींस अध्यावरण, एटैग्मिक अध्यावरणी, इसको अपन कह सकते हैं ए अध्यावरणीय, अध्यावरणीय। ठीक है, तो एटैग्मिक विदाउट इंटैग्मेंट, कोई अध्यावरण नहीं होगा तो इस तरीके, यानी जब अध्यावरण नहीं हो ऐसे ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, एटैग्मिक ओव्यूल, जिसमें अध्यावरण है ही नहीं। तो जैसे ये मैंने बात किया कि ये कौन सा अंतरअध्यावरण है और ये बाह्य अध्यावरण, जब ये अध्यावरण हो ही नहीं हो, जब अध्यावरण हो ही है ही नहीं, इस तरीके के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, एटैग्मिक ओव्यूल। क्लियर? विदाउट इंटैग्मेंट। एग्जाम्पल बेटा जितने भी जो परजीवी प्लांट है उनमें इस तरीके का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के रूप में सेंटेलम, चंदन में, लोरेंथस में, अमरबेल में, इनमें एटैग्मिक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट टाइप अपन बात करें यूनिटैग्मिक। देखो मैं अगर एटैग्मिक ओव्यूल का डायग्राम क्लियर करूं तो देखो बेटा ये अपना क्या होगा,
एम्ब्रियोसेक होगा, ये एग सेल हो गई, ये स्निग्रिड सेल हो गई, ये सेंट्रल सेल हो गई और ये एंटीपोडल सेल हो गई। ये बीजांडकाय होगा और सीधा बीज क्या होगा, ये इसके क्या हो जाएगा, बीजाणुव्रंथ हो जाएगा। इस तरीके का यानी कोई अध्यारण नहीं है, इंटेग्यूमेंट्स नहीं है। यूनिटेग्यूमेंट में क्या होगा आपका, देखो नाम से पता लगा, यूनि यूनि मीन्स वन, वन क्या होगा इंटेग्यूमेंट्स। तो देखिए बेटा वन इंटेग्यूमेंट्स होगा, एक अध्यावरण, एक अध्यावरण, क्लियर। एग्जाम्पल है हाई टाइप, जितने जो हाई डाइकोर्स प्लांट है उनमें जितने जो हाई डाइकोर्स जो प्लांट्स है मतलब उच्च वर्ग द्विबीजपत्री जो पादप है, उच्च वर्गीय द्विबीजपत्री पादप, उनमें यूनिटैग्मिक क्या पाए जाते हैं, ओवल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बाइटैग्मिक, बाइटैग्मिक यानी टू इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट। तो देखो बेटा टू इंटेग्यूमेंट, दो अध्यावरण उपस्थित हैं, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हो उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, बाइटैग्मिक ऑव्यूल। तो दो अध्यावरण होंगे इसमें, तो इसे अपन कह सकते हैं दो अध्यावरण, दो अध्यावरण, दो अध्यावरण होंगे उससे अपन क्या कहेंगे, बाइटैग्मिक कहेंगे, क्योंकि नाम से पता लगा बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स टू, टैग्मिक मीन्स अध्यावरण, यानी दो अध्यावरण। और ये मोनोपोर्स में जितने भी जो मोनोपोर्स प्लांट है, एक बीजपत्री जो पादप है उनमें ये उपस्थित होते हैं, और इसके अलावा लॉर जो डाइकोर्स है उनमें भी उपस्थित होते हैं, और अधिकांश जो फ्लॉवरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें बाइटैग्मिक ऑव्यूल्स ही प्रेजेंट होता है। तो यूनिवर्सल है एक तरीके से बाइटैग्मिक ऑव्यूल्स, क्लियर। ट्राइटैग्मिक, देखो ट्राई मींस क्या होता है, थ्री, टैग्मिक मींस क्या है, अध्यावरण, मतलब कितने, थ्री इंटेग्यूमेंट्स, थ्री इंटेग्यूमेंट यानी तीन अध्यावरण, अध्यावरण तीन अध्यावरण हो जब तो उसे अपन क्या कहेंगे, ट्राई टैग्मिक, क्लियर। एग्जाम्पल है लीची, लीची में जो आप खाते बेटा, जो अपने गिलासा टाइप का जो है वो क्या है का? एक थर्ड इंटेग्यूमेंट ही प्रेजेंट है। तो आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट और एक थर्ड इंटेग्यूमेंट और प्रेजेंट होगा, और उन्हें अपन क्या कहेंगे बेटा, ट्राई टैग्मिक ऑव्यूल कहेंगे, और इसमें थ्री इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे यानी तीन अध्यावरण होंगे। एग्जाम्पल है लीची, लीची में इस तरह कंडीशन देखने को मिलती है। थर्ड अपन यहां बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन एंड रिलेशन बिटवीन माइक्रोपाइल, हाइलम एंड चेलेजा, मतलब माइक्रोबीजाण द्वार, निवार और नाभिका, इन तीनों की पोजिशन और इनमें आपस में रिलेशन के आधार पर ऑव्यूल्स के जो टाइप है वो प्रकार इसमें दिए गए। तो थर्ड जो बहस है वो इनकी पोजिशन के आधार पर, और इनका अपन डिस्क्रिप्टिव जो स्टडी है, विस्तृत रूप से जो अध्ययन है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहां अपन केवल नाम और एग्जांपल देख सकते हैं। तो देखो बेटा इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल, हाइलम और चेलेजा की पोजिशन एंड रिलेशन के आधार पर इन्हें सिक्स कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो छह श्रेणियां हैं इनकी, कौन कौन सी, ऑर्थोट्रोपस यानी सीधा, सीधा बीजांड, क्या कहते हैं बेटा ऑर्थोट्रोपस को, सीधा बीजांड, जो सीधा रहेगा, जैसे ये उल्टा है वो कैसे रहेगा, सीधा बीजांड रहेगा। एग्जाम्पल है बेटा बीटल, इनका अपन मैंने कहा कि इनके बारे में अपन डिस्क्रिप्टिव विस्तृत अध्ययन इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसलिए मैं यहां पर शॉर्ट में बात कर रहा हूं, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा एनाट्रोपस, एनाट्रोपस यानी उल्टा, उल्टा बीजान, तो एनाट्रोपस ऑव्यूल, और ये देख रहे हो आप ये कैसा है बेटा, उल्टा बीजांड है, क्लियर। इस प्रकार के जो एनाट्रोपस जो ऑव्यूल है वो किसमें, मालवेसी में, सोलेनेसी में, कुकरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट है उनमें प्रेजेंट होता है। और 80% जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें इसी तरीके का ऑव्यूल्स प्रेजेंट होगा, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस आधा उल्टा या अर्ध प्रतीप भी बोलते हैं, अर्ध प्रतीप
आधा उल्टा अर्ध अर्ध उल्टा अर्ध उल्टा विचार हेमी एनाट्रोपस। देखो एनाट्रोपस हेमी मींस क्या होता है हाफ वन बाई टू हाफ तो आधा उल्टा इसमें क्या होगा ये ओविल्स कैसे रहेगा जैसे मैं कहूं कि सीधा ओविल ये यदि मैं कहूं कि ये अपना माइक्रोपाइल है बीजाणु द्वार है तो इसमें इस तरीके का ओव्यूल रहेगा इसमें ऐसे रहेगा ओव्यूल पर इसमें रहेगा ये कंडीशन रहेगी किसमें हेमी एनाट्रोपस। ठीक है उसके बाद बात करें अपन इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो प्रिमूला में प्रेजेंट होता है प्रिमूला प्लांट में इस तरीके के ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगला बात करें कैंपाइलोट्रोपस इसे बोलते हैं अपना वक्र वक्र बीजाण बोलते हैं वक्र बीजाण क्या कहते हैं वक्र बीजाण कैंपाइलो ट्रोपस वक्र बीजाण। ठीक है बेटा इसमें क्या होगा थोड़ा सा कुंडलित रहेगा ओव्यूल कैसा रहेगा कुंडलित रहेगा परंतु जो एम्ब्रियो सेल है वो कुंडलित नहीं होगा इस तरीके के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे कैंपाइलो ट्रोपस ओव्यूल। तो वक्र बीजाण ये कुंडलित होता है इसे अपन कुंडलित भी रूप में कह सकते हैं परंतु ये इतना भी कुंडलित नहीं रहता थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है इसलिए इसे वक्र बीजाण अपन कहते हैं और एग्जाम्पल है कैप्सेला। ठीक है देखिए मैं आपको डायग्राम बना दूं तो जो ऑर्थोट्रोपस का एनाट्रोपस का डायग्राम देखिए हो ये एनाट्रोपस का है ऑर्थोट्रोपस का यदि मैं डायग्राम आपके सामने क्लियर करूं बाकी अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पर फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं ये एम्ब्रियोसेक हो गया ये एक सेल और प्रतिमुखी ये एंटीपोडल सेल हो गई। ठीक है ये बीजाणुकाय हो गया उसके बाद ये इनर एंटेगमेंट और आउटर एंटेगमेंट इस तरीके का ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस में क्या होगा बेटा हेमी एनाट्रोपस में कैसा होगा वो हेमी एनाट्रोपस में ये इस तरीके की पोजीशन में रहेगा ये एक सेल और ये सहायक सेल ये एंटीपोडल सेल। ठीक है और ये बीजाणुकाय हो गया उसके बाद ये इनर एंटेगमेंट और ये आउटर एंटेगमेंट इस तरीके की पोजीशन जब रहेगी तो हेमी एनाट्रोपस हो गया। कैंपाइलोट्रोपस में क्या होगा बेटा थोड़ा सा वक्र हो जाएगा वक्र केवल क्या होगा वक्र ये सीधा रहेगा ये स्ट्रेट पोजीशन में रहेगी ये एक सेल ये सहायक सेल ये एंटीपोडल सेल हो गई ये द्वितीयक केंद्रक हो गए द्विध्रुवीय केंद्रक हो गए उसके बाद ये न्यूसिलस हो गया बीजाणुकाय तो न्यूसिलस थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा वक्र हो जाएगा न्यूसिलस भी वक्र की स्थिति में रहेगा ये आउटर इंटेगमेंट सॉरी इनर इंटेगमेंट इनर और ये आउटर इंटेगमेंट ये इस तरीके की पोजीशन रहेगी ऑर्गन की तो उसे अपन कहेंगे कैंपाइलोट्रोपस। तो देखो एम्ब्रियोसेक सीधी स्टेट में है परंतु जो न्यूसिलस है और जो ऑव्यूल है वो कैसा है वक्र पोजिशन में है। ठीक है उसके बाद अपन बात करें एंटी ट्रोपस ये वन वन साइड पे क्या है वक्र है ये टू साइड पे वक्र यानी इसका जो एम्ब्रियोसेक है ये जो एम्ब्रियोसेक है ये भी क्या हो गया वक्र हो गया तो टू स्टेप पे वक्र हो जाएगा कैसी कंडीशन में यही कंडीशन रहेगी परंतु ये भी वक्र हो जाएगा और ये किस तरीके का हो जाएगा बेटा घोड़े की जो नाल होती है ना जो पेड़ में लगाते हैं उसकी तरीके का वक्र वक्रित हो जाएगा इस तरीके से ये कुंडलित हो जाएगा ये एक सेल हो गई ये सिनिग्रिड सेल हो गई ये दुर्वे और ये एंटीपोडल सेल हो गई इस तरीके की कंडीशन में रहेगा ये कौन सा है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल हो गए एग्जाम्पल बेटा पोपी पोपी में इस तरीके के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सर्सिनोट्रोपस सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या होगा जो फ्यूनिकल है वो एक तरफा वृद्धि करेगी और पूरा जो ओव्यूल के चारों तरफ लिपट जाएगा तो किस तरीके की एकदम 360 डिग्री से रोटेट हो जाएगा किस प्रकार का ओव्यूल होगा बेटा देखिए ये ओव्यूल हो गया ये एक सेल हो गई ये सहायक सेल हो गई ये द्विध्रुवीय केंद्रक हो गया और ये एंटीपोडल सेल हो गई। ठीक है ये बीजाणुकाय हो गया ये आउटर इंटेगमेंट हो गया सॉरी इनर इंटेगमेंट हो गया इनर इंटेगमेंट ये इनर इंटेगमेंट हो गया ये आउटर इंटेगमेंट हो गया आउटर इंटेगमेंट बाय डाउन उसके बाद देखिए इसकी कंडीशन ये रहेगी इसके ये
इस तरीके से लिपट जाएगा ऐसे। तो जो फ्यूनिकल है, जो बीजांड का ग्रंथ है, वो इसके लिपट जाता है और कमानी की जो चाबी बर्तन है उसकी तरह लिपटा रहता है इसे। इस तरीके के अवयव को अपन क्या कहेंगे बेटा, सर्सिनो ट्रोपस ऑयल। और ओपेंसिया जो कैक्टस फैमिली के जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें इस तरीके का अवयव प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये कौन किसके बेस के ऊपर थे बेटा, माइक्रोपाइल, हाइलम और चेलेजा की पोजिशन और रिलेशन के आधार पर छह वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। इसे अर्धपत्ति, इसे वक्र बीजान, इसे क्या कहेंगे बेटा अपन, अनुप्रस्थ बीजान। हिंदी में बोलेंगे इसे अनुप्रस्थ बीजान। और इसे कहेंगे बेटा कुंडलित बीजान, कुंडलित, कुंडलित बीजान। ये है कुंडलित बीजान। क्लियर? तो ये अपने थ्री बेस पर इन्हें क्लासिफाइड किया है। इस वीडियो में एक और टॉपिक अपन छोटा सा बात करें, स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटेगमेंट्स। कुछ ऑव्यूल्स में स्पेशल टाइप के, कुछ विशेष प्रकार के इंटेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अध्यावरण प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से हमेशा बोर्ड की और नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अपन बात करें, फर्स्ट ऑफ एरी, जब फ्यूनिकल से डेवलप होता है, फ्यूनिकल कौन सा, बीजाणु ग्रंथ, बीजाणु ग्रंथ से डेवलप होता है एरिल टाइप का। और जो ये अपन ने थर्ड इंटेगमेंट पढ़ाई है इसी टाइप का है। तो एरिल फ्यूनिकल से यानी बीजाणु ग्रंथ से डेवलप होता है और एग्जाम्पल है लीची, जो कि एक रसीला टाइप का होता है। तो बीजाणु ग्रंथ से डेवलप होकर एक थर्ड क्या बनाता है बेटा, अध्यावरण बनाता है जो रसीली टाइप की होती है, उसे अपन एरिल कहते हैं और लीची में ये प्रेजेंट होता है। अगला है एरिलोडेड, एरिलोडेड एक बेटा आउटर जो इंटेगमेंट है उससे डेवलप होता है और सराउंडेड इंटायर ऑव्यूल, और पूरे जो ऑव्यूल है उसके चारों तरफ घुमा रहता है, सराउंडेड इंटायर ऑव्यूल। तो एरिलोडेड आउटर इंटेगमेंट जो है डेवलप होकर एक ऑव्यूल जो है बीजाणु है उसके चारों ओर एक क्या बनाता है, थर्ड आवरण के रूप में बनाता है, जिसे एरिलोड कहते हैं। और एंगा ड्यूकल्स प्लांट में यानी जंगल जलेबी में, इस तरीके की जो जंगल जलेबी जो है प्लांट, जंगल जलेबी पादप में इस तरीके के इंटेग्रमेंट्स अध्यावरण प्रेजेंट होते हैं। ये इसी रूप में आएंगे, हिंदी नाम इनके नहीं मिलेंगे आपको, यही याद रखने एरिल, एरिलोडेड, सार्कोटेस्टा। देखो सार्कोटेस्टा में क्या होगा बेटा, आउटर इंटेगमेंट जो है फ्लेसी हो जाता है, फ्लेसी यानी थोड़ा सा रसीला टाइप का हो जाता है इंटेगमेंट, फ्लेसी हो जाता है, मोटा हो जाता है, गुद्देदार हो जाता है और रसीला हो जाता है मैग्नोलिया में। तो आउटर इंटेगमेंट थोड़ा सा डेवलप होकर, थोड़ा सा मॉडिफाई होकर, रूपांतरित होकर एक फ्लेसी टाइप का क्या बनाता है, इंटेगमेंट बनाता है, जिसे अपन सार्कोटेस्टा कहते हैं। और मैग्नोलिया में इस तरीके के इंटेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा कैरेन का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आईएमपी है का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैरेंकर। और देखा भी आपने कैरेंकर, कैरेंकल अरंडी के बीज देखे, अरंडी के बीज जानते हो अरंडी, जिसके पत्तों को गर्म करके अपने कहीं जॉइंट में दर्द हो तो उसके लगाने के काम में लेते हैं अपन, जो पपीता की तरह की पत्तियां होती जिसकी, और जंगली रूप में उगे रहते हैं, इसके डोडे होते हैं, ये थोड़ी का थोड़ा विशेला सा प्लांट होता है और उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है। इसके सीड का मैं डायग्राम बनाऊं आपको तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा, सीड का मैं डायग्राम बनाऊं तो अपने आप आपको याद आ जाएगा। इस तरीके का सीड मूंगफली की तरह का सीड होता है, परंतु इसके कवर्ड होता है और थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा नुकीला टाइप का होता है, और यहां एक घुंडी नुमा रचना लगी रहती है, यहां एक मोटी घुंडी नुमा रचना और ब्लैक डिजाइन इस पर स्पोर्टिंग बनी रहती है इस तरीके। यह है अरंडी की सीड। तो देखिए बेटा अरंडी में जो आउटर जो इंटेगमेंट है वो आउटर ग्रोथ बनाता है, एक आउटर इंटेगमेंट एक ग्रोथ करके एक आउटर ग्रोथ डेवलप करता है, ठीक है। और यहां एक घुंडी नुमा रचना बनाता है, यह है घुंडी नुमा, जिसे अपन कैरेंकल कहते हैं, कैरेंकल मीन्स ही घुंडी नुमा रचना है। तो कैरेंकल बनाता है, इसे कहते हैं अपन कैरेंकल। तो ये एक घुंडी नुमा रचना है, घुंडी घुंडी, और उसी को अपन क्या कहते हैं, वो कैरेंकल कहते हैं। तो
ओव्यूल्स का आउटर इंटेग्रमेंट ग्रोथ करके जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल बीजांड द्वार है वहां जाकर एकत्रित हो जाता है और एक घुंडी नुमा रचना बनाता है जिसे क्या कहते हैं कैरेंकल कहते हैं। ये सुगर कंटेंट होते हैं, इसमें सुगर थोड़े सुगर के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण से कीट इनकी तरफ आकर्षित, जो चीटियां हैं वो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो मकोड़े और चीटियां इनकी तरफ आकर्षित होती और इनको उठाकर दूर तक ले जाते हैं, तो बीजों का परकीर्णन भी हो जाता है। साथ ही साथ ये जो कैरेंकल है ये जल को सोखकर बीजों के अंकुरण में भी सहायता करती है। तो देखिए बेटा दो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कौन, कैरेंकल। फर्स्ट रोल तो ये कि बीजों के परकीर्णन में सहायता करती है क्योंकि चींटियां इसको दूर तक ले जाती क्योंकि इसमें सुगर कंटेंट है, ठीक है। दूसरा ये वॉटर को एब्जोर्ब करके, ये जो घुंडी है ये वॉटर को एब्जोर्ब करके बीजों के अंकुरण में भी सहायता करती है, ठीक है। तो ये दो रोल हो गए, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। अगला आता कोमा। देखिए आजकल आप खुद देखे होंगे ग्रीष्म काल अभी व्यतीत निकला ही है और जब अपने गर्म हवाएं चलती है तो उसमें आप आकड़े के बीजों को और उनके रेशों को उड़ते हुए देखा होगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से एक सीड लगा होता है और इस पर से ऐसे रोम निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे रोम निकले रहते हैं और हवा में उड़ते हुए खूब देखा होगा आपने, देखा होगा अगर गांव में आसपास आप रहते हैं तो, इस तरीके जिसे अपन हाबू भी बोलते हैं, डरावना सा बच्चों को डराने के काम में भी लिया दिखाकर डरा देते हैं इससे। तो वो क्या है, वो जो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे ना बेटा, ये कोमा का रोम, ठीक है। तो आउटर ओव्यूल्स में आउटर इंटेगमेंट एक फिलामेंट लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, कोमा बोलते हैं। और कैलोट्रोपिस में आकड़े के बीचों और ये बाहर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये आउटर इंटेगमेंट का मॉडिफाइड रूप है, ठीक है। इसी प्रकार गोसिपियम में कॉटन के सीड कांकड़े जिसे अपन कहते हैं, कांकड़े के चारों तरफ बीच के चारों तरफ रुई लगी रहती है, वो रुई भी किसका रूप है बेटा, कोमा का रूप, जो कि आउटर इंटेगमेंट से डेवलप हुई है और उसमें मॉडिफिकेशन होकर वो हेयर लाइक या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो ये है स्पेशल टाइप ऑफ इंटेगमेंट जिसमें अपन एरिल एरिलोड सार्कोटेस्टा कैरेंकल और कोमा की बात। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ओव्यूल किए थ्री बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगमेंट and on the basis of position and relation between micropyle, hilum and chelate, clear? And special type के integuments भी अपन ने यहां discuss किए। Okay students, thank you, जय हिंद जय भारत।